अग्निपथ स्कीम को लेकर राष्ट्रव्यापी हिंसा हुई। हिंसा की तस्वीरें आपने देखी होंगी, आंदोलन के नाम पर हुई अराजकता आपने देखी होगी, लेकिन राष्ट्र सेवा का सपना देने वाले नौजवान रास्ता कैसे भटक सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। अब जांच के बाद हिंसा के पीछे बड़े चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। पुलिस का आरोप है कि हिंसा फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हुई, कोचिंग सेंटर्स में उपद्रव की स्क्रिप्ट लिखी गई, अराजकता का पाठ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए नौजवानों को पढ़ाया गया, 35 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पेन पकड़ने वाले नौजवानों के हाथ में पत्थर थमा दिए गए, सुबह शाम फिटनेस के लिए पसीना बहाने वाले नौजवानों को उपद्रवी बना दिया गया, पूरी साजिश को कैसे अंजाम दिया गया, आज तक संवाददाता मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह ने टॉप सोर्सेस से डिटेल जुटाकर एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। क्या हिंसा वाली साजिश फुल स्क्रिप्टेड है? द बर्निंग ट्रेन वाले कोर्ट से जल उठा देश, प्रदर्शनकारी मोहरा, प्लान के पीछे बड़ा चेहरा, हिंसा वाला ट्यूशन, व्हाट्सएप वाला गैंग। हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है, ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%, कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो छिलका जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते छिलका, अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 250 करोड़ भी नहीं, 500 करोड़ नहीं, बल्कि करीब 750 करोड़ रुपए की रेलवे संपत्ति स्वाहा हो गई। सही सुना आपने, 750 करोड़ रुपए खाक। क्यों सिर्फ ट्रेन को टारगेट किया गया? नकाब के पीछे छिपे चेहरों का सच क्या? चेहरे पर नकाब, आंदोलन में अराजकता, क्या ये संयोग है या फिर एक बड़ा प्रयोग? शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में आंदोलन की आड़ में हिंसा और उपद्रव के पीछे गहरी साजिश के सबूत मिले हैं। अरेस्ट हुए उपद्रवियों के मोबाइल की गवाही से व्हाट्सएप वाले गैंग का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 35 व्हाट्सएप ग्रुप को बैन किया है। ये वही व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो शहर शहर सुनियोजित प्लानिंग के तहत प्रदर्शनकारियों को हिंसा के तरीके बता रहे थे, ट्रेन जलाने का आइडिया बता रहे थे, सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाले नौजवानों को गुमराह कर रहे थे, नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। ये सब मोबाइल और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हो रहा था, यानी इधर से मैसेज आया और उधर ट्रेन में आग लगा दी गई, इधर मैसेज आया और उधर पत्थरबाजी शुरू हो गई, इधर मैसेज आया उधर शहर शहर चक्का जाम कर दिया गया। टाइमिंग से लेकर हिंसा की टाइमलाइन एक जैसी, मॉडस ऑपरेंडी भी एक जैसी, यानी सब कुछ वेल प्लान्ड और स्क्रिप्टेड था। ये सब कैसे हुआ? जो नौजवान सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सेवा करने की सोच रहा हो, वही नौजवान देश की संपत्ति को कैसे जलाने लगा? वही नौजवान कैसे पत्थरबाजी करने लगा? इसका जवाब 35 व्हाट्सएप ग्रुप की चैट्स में मौजूद है। दरअसल अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश में विरोध और हुड़दंग फैलाने के पीछे करीब 35 व्हाट्सएप ग्रुप जिम्मेदार हैं। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से देश भर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाई जा रही थी, जिसके बाद देश भर में हिंसा और आगजनी की खबरें सामने आई। सरकार ने राज्य सरकारों से मिले इनपुट के बाद इन 35 व्हाट्सएप ग्रुप्स को बैन कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 35 व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग तरीके से फर्जी खबरें फैलाकर कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे।
नई नई अफवाह फैलाकर नौजवानों को उकसा रहे थे, सरकार के खिलाफ बरगला रहे थे। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बंद को बड़े बड़े संगठनों से जोड़ा गया ताकि माहौल बिगाड़ा जा सके। मैसेज में लिखा गया, व्हाट्सएप ग्रुप वाला गैंग, साजिश नंबर एक, भाइयों राष्ट्रहित में 20 जून को एकजुट हो जाइए, देश का चक्का जाम कीजिए, बंद में आपके साथ तमाम सियासी पार्टियां खड़ी हैं। 20 जून को देश में ऐतिहासिक भारत बंद होगा, केंद्र सरकार को नौजवानों की ताकत का अंदाजा होगा, हुकूमत को उखाड़ फेंकना है, आप जहां हैं वहीं से हल्ला बोल दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 20 जून को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का ऐलान किया गया। ऐसे ही एक और व्हाट्सएप ग्रुप पर नौजवानों को भड़काया गया, व्हाट्सएप ग्रुप वाला गैंग, साजिश नंबर दो, अग्निपथ स्कीम को लेकर नौजवानों को भड़काया गया, जिसमें देश के अलग अलग शहरों से संचालित तमाम कोचिंग संचालक शामिल हैं। अगर नौजवान हिंसा पर उतरे तो उनके हाथों में पत्थर थमाने वाले कोई और है। व्हाट्सएप ग्रुप वाला गैंग, साजिश नंबर तीन, बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप विरोध DOD भर्ती 18 जून नाम से बना था, जिसमें युवाओं को प्रदर्शन करने, उसको अंजाम देने और एकत्रित होने का वक्त बताया जा रहा था। यहां तक कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा का तरीका सिखाया जा रहा था। एक ही पैटर्न पर देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसक प्रोटेस्ट हुए। इसकी साजिश के पीछे की टूलकिट अब मिल गई। व्हाट्सएप ग्रुप वाला गैंग, साजिश नंबर चार, सूत्रों ने बताया है कि शरारती तत्वों ने इंडियन आर्मी नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, ग्रुप में खुद को भूतपूर्व सैनिक बताया और झूठी पहचान के साथ अग्निपथ स्कीम को लेकर भ्रामिक और निराधार जानकारियां फैलाई। यहां तक कि व्हाट्सएप ग्रुप में ये जानकारी भी दी गई कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा होना है और कैसे आग लगानी है, क्यों सिर्फ ट्रेन को निशाना बनाना है, प्रदर्शन के दौरान नकाब का इस्तेमाल करना है, साथ ही किस पॉइंट पर मिलना है, ऐसी जानकारियां भी दी गई थी। जैसे ही अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई, केंद्रीय एजेंसियों ने सभी राज्यों को इस बात का अलर्ट भेजा था कि राज्यों में इस स्कीम का गलत तरीके से व्हाट्सएप पर इस्तेमाल हो सकता है। वहीं से ही चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, एक तरीके का लीड केंद्रीय एजेंसियों को मिली, जहां से ये पता चला कि अलग अलग तरीके के मैसेज फैलाए जा रहे हैं। उसके बाद 35 व्हाट्सएप ग्रुप को बैन किया गया और इनकी चैटिंग में ये पता चला कि संक्षिप्त मैसेज साथ ही कोड वर्ड में यहां जो लोग जुड़े हुए थे वो कर रहे थे। आने वाले दिनों में ऐसे दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखी जा रही है और इन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। नौजवानों के कंधे पर बंदूक लगाकर चलाई गई ये गोली, यानी नौजवान सिर्फ मोहरा है, पर्दे के पीछे रिमोट कंट्रोल से उन्हें ऑपरेट किया गया। अग्निपथ स्कीम को लेकर सबसे ज्यादा हिंसा और उपद्रव बिहार में हुआ। बिहार पुलिस का दावा है कि हिंसा के पीछे व्हाट्सएप गैंग एक्टिव था। यही वजह है कि एक साथ बिहार के अलग अलग शहरों में एक ही पैटर्न पर हिंसा हुई। ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। एक तरफ उपद्रवियों की तस्वीरें जारी हो गई तो दूसरी तरफ पटना में हिंसा की कोचिंग देने वालों के सेंटर पर छापेमारी शुरू हो गई। ये तस्वीरें पटना में गुरु रहमान कोचिंग की हैं, जहां पर पटना पुलिस ने छापा मारा। हालांकि कोचिंग संचालक रहमान पहले से फरार है। आरोप दानापुर में नौजवानों को भड़काकर हिंसा कराने का है। जो उपद्रव हुआ है उसमें कल ही हम लोगों ने 75 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और जो लोग भी हिंसक गतिविधियां तोड़फोड़ में शामिल थे और उनके मोबाइल कॉल्स के आधार पर, व्हाट्सएप जो चैट हुआ है उसके आधार पर और वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग अन्य लोगों की पहचान कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बना रहे हैं और अगले 48 घंटे में हम लोग विशेष अभियान चला करके उन सभी लोगों की अरेस्टिंग करेंगे। जो लोग भी हिंसक गतिविधि में शामिल हैं, तोड़फोड़ या आगजनी में, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। पटना पुलिस सिर्फ कोचिंग संचालकों को सरगर्मी से नहीं तलाश रही, बल्कि अब पालीगंज प्रशासन ने एक दो नहीं बल्कि 40 उपद्रवियों की शिनाख्त के लिए पोस्टर जारी कर दिया। शुरुआत में उपद्रवियों को खुली छूट देने के बाद अब बिहार की पुलिस एक्शन में है।
यही वजह है कि पिछले दो दिनों में बिहार से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। अब पालीगंज पुलिस ने 40 उपद्रवियों का फोटो जारी किया है और उसके आधार पर धरपकड़ की जा रही है। इसी प्रकार अन्य जगहों पर जहां जहां सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, उन उपद्रवियों का भी फोटो जारी करने की तैयारी है। पुलिस प्रशासन ने सीसीटीवी और स्थानीय लोगों से मिली फुटेज के आधार पर 40 उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं। पुलिस की तरफ से अपील की गई है कि पोस्टर में नजर आ रहे उपद्रवियों की सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा। आप सब लोग पालीगंज पुलिस और प्रशासन का मदद करते हैं तो आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, ये हम आपको वादा करते हैं इसका। लेकिन अगर आप लोग मदद करेंगे तो इसका आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। इसके लिए एक और चीज मैं आपको अश्योर करता हूँ, आप सब लोगों की आइडेंटिटी, जो भी हमको नाम शेयर करता है, वीडियोस में किसी का भी नाम बताता है, उन सबकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आप लोग पालीगंज पुलिस स्टेशन के सरकारी नंबर पर या फिर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के सरकारी नंबर पर ये उन लोगों की नाम, उन लोगों का पता शेयर कर सकते हैं। मसौढ़ी में हुई हिंसा के पीछे शुरुआती तफ्तीश में कई कोचिंग सेंटरों की भूमिका संदिग्ध है। आरोप यही है कि नौजवानों को हिंसा का ट्यूशन कोचिंग सेंटर से दिया गया। कि अलग अलग जिलों में अलग अलग लेवल पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पटना जिले की मैं बात करूं, यहाँ 3 FIR हुई हैं जिसमें 6 कोचिंग सेंटर्स या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को हम अपने जांच के घेरे में लाए हुए हैं। इन 6 में कुछ मसौढ़ी, कुछ दानापुर मनेर इलाके में हैं। यहाँ पर लड़के पढ़ते थे, इनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, यहाँ से चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई। तो कुल मिला के घटना को किसने उकसाया, कैसे घटनाएं बढ़ी, किसने उनको दुष्प्रेरित किया, कहाँ से षड्यंत्र हुआ, इन सब मामलों पर हम लोग की इन्वेस्टिगेशन टीम की नज़र बनी हुई है और हम लोग उन सब में आगे भी जांच करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने 35 व्हाट्सएप ग्रुप को बैन किया है और इसके पीछे बड़ी वजह बिहार में गिरफ्तार उपद्रवियों के राज उगलते मोबाइल हैं। कई व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों को पता चले हैं, उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, क्या चैट उसमें सर्कुलेट हुई है, इस पे अभी हमारी स्टडी और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कई सारे नंबर्स को हमने ब्लॉक भी करा दिया है। कुल मिला के डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर भी मेरी पूरी टीम जो लगी हुई है वो नजर रखी हुई है। बिहार पुलिस के मुताबिक हिंसा का पैटर्न एक जैसा है, यानी पर्दे के पीछे से नौजवानों को कोई कंट्रोल कर रहा था। प्रदर्शन कर रहे नौजवानों का रिमोट कंट्रोल कोचिंग सेंटर चलाने वालों के हाथ में था। इन 3 दिनों के वायलेंस में हमने पहले दिन 35, दूसरे दिन 86, तीसरे दिन 36 FIR दर्ज की और उसके फलस्वरूप और गिरफ्तारी के फलस्वरूप अब आप देखेंगे 877 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। 159 FIR डिफरेंट जिलों में दर्ज की गई है। आरोप है आप पे कि आप लोग ने बच्चों को सवेरे की बैठक के लिए बुलाया और फिर यहाँ से संयोजित तरीके से जो है उपद्रव फैलाया गया। नहीं, ऐसा बात नहीं होगा। हम लोग कभी ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते कि बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। उसी बात की हम लोग को पता ही नहीं था कि आज जो क्या बोलता है कि दंगा वगैरह की सिस्टम था वो हमें खुद ही मालूम नहीं था। हम लोग एटलीस्ट जहानाबाद पढ़ा रहे थे। कोचिंग सेंटर चलाने वाले साजिश में शामिल होने के आरोप को नकार रहे हैं, लेकिन हिंसा के आरोप में अब तक सिर्फ बिहार में 800 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। प्रशासन को शक है कि बिहार को विरोध की आग में झोंकने के पीछे एक बड़ी साजिश है। यही वजह है कि कोचिंग सेंटर से लेके राजनीतिक दल के नेताओं को भी जांच के घेरे में रखा गया है। व्हाट्सएप चैट से लेके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खंगाला जा रहा है और अगले कुछ दिनों में बड़ी धरपकड़ की जा सकती है। मौसमी सिंह के साथ सुजीत झा, पटना आज तक।